तो आज बिहारी जी की करुणामय वैदिक मय लीला है। बड़ा ही सुंदर प्रसंग याद आया हमें इसी चीज पर कि एक बार बादशाह और बीरबल की बात हुई। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम बहुत विद्वान हो, हमें तुम्हारे जैसा एक व्यक्ति और मिल जाए तो हमारा राइट हैंड तो है पर लेफ्ट हैंड भी खड़ा हो जाए, यानी कि हमारी पावर बढ़ जाएगी। कि सलाहकार अच्छा होना चाहिए जिंदगी में, सलाहकार अच्छा होगा, रायकार अच्छा होगा तो तुम तरक्की करोगे, पीछे नहीं दोगे। सलाहकार बुरा मिल जाए तो कई बार गलत राय दे देता है, ए शेयर मार्केट में लगा ले पैसा, कमेटी में डाल दे, पता चलो तुमने भर दी और लेके दे। तो सलाहकार अच्छा होना चाहिए। तो कहा कि बीरबल जी कोई अच्छा इंसान ढूंढ के लाओ हमारे लिए। इतने में बादशाह की घरवाली बोली, महाराज एक बात तो कहे, बोले हाँ, तुम दुनिया को नौकरी में रखते हो, कभी मेरे भाई को भी रख लिया था। बोले भाई ठीक है, देखते हैं ऐसी बात है तो। लेकिन आज बादशाह साहब बोले, बीरबल हमारे मन में एक बात चल रही है। बोले क्या? ये जो तुम लोग कहते हो, हे भगवान 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 भगवान, क्या ये भगवान सच में होता है? अब बीरबल कैसे कहे कि तुम अल्लाह अल्लाह करते हो, है तुम्हारा अल्लाह होता है क्या? लेकिन बीरबल जवाब नहीं दे सकते, वो बादशाह की पोस्ट पर बैठे हैं भाई। बीरबल ने कहा हाँ हाँ हजूर, हमारे भगवान होते हैं। होते तो फिर दिखलाओ कहाँ होते, हम तुम्हारे भगवान से मिलना चाहते हैं, हम तुम्हारे भगवान को देखना चाहते हैं। बीरबल जी बोले, ये तो बड़ा कैड़ा सवाल है भैया, कैसे जवाब दें हम कैसे जवाब दें और कैसे मिलवाएं? बोले क्या हुआ बीरबल, कुछ सोचने लगे हो? बोले महाराज थोड़ा समय मिलेगा हमें। बोले ठीक है, हमारे दो सवाल है उसका जवाब दे देना, हम तुम्हें एक हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, ठीक है? बोले दो सवाल, क्या तुम्हारा भगवान क्या करता है और कहाँ रहता है, बस ये दो जवाब हमें दे देना, हम मान जाएंगे कि तुम्हारा भगवान होता है। बीरबल घर पे गए, एक दिन बीता, दो दिन बीता, तीन दिन बीते, चौथा पांचवा छठे दिन पे बीरबल जी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो जैसी रोटी का टूक तोड़ा है, अधरों के द्वार जा रहा है, तो अधम में रोक दिया टूक को। सोच में पड़ गए, चिंतित हो रहे हैं कि कल सातवां दिन है, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो बादशाह हमें फांसी पे चढ़ा देगा, क्या करें साहब? अब इनका 7 ईयर्स ओल्ड इनका एक बेटा था 7 साल का। तो बेटे ने पूछा कि पिताजी आपको चिंतित लग रहे हैं क्योंकि रोटी का टूक रुक गया। उस तो बात है, बच्चों की बात नहीं है बेटा, ये बच्चों की बात नहीं है, तू जा खेल। बोले नहीं नहीं, आप मुझे बताइए आप चिंतित हैं। बोले बेटा, बादशाह ने पूछा है तेरे भगवान क्या करता है और कहां रहता है। बच्चा बोला बस ये छोटी सी बात, इतनी सी बात। बोले तुझे बेटा ये इतनी सी बात लग रही है, अगर जवाब गलत दिया, अगर जवाब गलत दिया तो फांसी पे चढ़ देगा। बोले पिताजी एक काम करो। बोले हाँ। बादशाह को बोलो, हम हिंदुओं के तो बच्चे बच्चे बड़े माइंडेड होते हैं, दिमागदार होते हैं। बोले मतलब? बोले आप ये कहते ना तो छोटी सी बात है, ये तो मेरा 7 साल का बच्चा ही बता देगा भगवान कहाँ रहता और क्या करता है। बोले बेटा तू मुझे बता दे, मैं ही जवाब दे दूं। बोले ना। बोले बेटा अगर दोनों का जवाब गलत होगा तो दोनों ही फांसी पे चढ़ेंगे। बोले पिताजी अपने बेटे पे विश्वास करो, आप कह देना जाकर। सातवां दिन होगा, बादशाह देख रहा, बीरबल जी प्रस्तुत हो। बीरबल जी आया, कब कब आ रहा, डर तो लगता ही है भाई, बादशाह है। अब कोई जज के आगे खड़ा हो जाए तो जज जज है सब, जो फैसला सुना दे वो तो होके रहे। तो हाथ जोड़कर ऐसे खड़े कब कब आ रहे हैं। बोले बीरबल जी पहली बार आपको हम कब कब आते हुए देख रहे हैं, क्या बात है? हजूर कब कब आ नहीं रहा और आप ठंड लग गई थी, आपने क्या पूछा था? बोले तेरा भगवान
कहाँ रहता है और क्या करता है। बोले हजूर ये तो छोटी मोटी बातें हैं, हिम्मत करते हुए, कॉन्फिडेंस बड़ा तगड़ा है बोलने का, हिम्मत करते हुए बोले कि तो बहुत छोटी सी बात है हजूर, हमारे यहाँ तो हिंदुओं के बच्चे बड़े विद्वान होते, छोटे छोटे बच्चों को अपने शास्त्रों की नॉलेज है, ये बात तो हमारा छोटा सा बच्चा बता देगा 7 साल का। बोले ओहो इतना घमंड, बुलाओ अपने 7 साल के बेटे को। अब बुला तो लिया लेकिन साहब जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा डगमगा रहा है। बोले कहीं अगर बच्चा गलत ना जवाब दे दे। तो साहब बच्चे को बुलाया, बच्चा आकर तो बच्चे की तरह खड़ा हो गया। हाजिर बेटा तेरा भगवान कहाँ रहता है और क्या करता है, ये सवाल हमने तुम्हारे पिताजी से पूछा था और तुम्हारे पिताजी ने हमको ये बोला कि मेरा तो 7 साल का बेटा ही बता देगा, तो फिर बताओ। बच्चा बड़ा दिमागदार निकला। बच्चे ने कहा बादशाह साहब एक बात कहूं बुरो ना मानो। तो बोले नहीं वो आप ये जो प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, सवाल जो मुझसे कर रहे हैं, ये बच्चा जानकर पूछ रहे हो या गुरु मानकर। बोले मतलब। बोले जिससे ज्ञान मिले वो गुरु के समान होता है। तो बादशाह भी समझदार था, बोले मैंने बच्चा कह दिया तो ये कोई गलती करेगा और अगर गलती कर गया तो गड़बड़ हो जाएगी, हमें माफ करना पड़ेगा। तो बोले कि एक काम करो। बोले क्या, हम तुम्हें गुरु मानकर पूछ रहे हैं। बोले गुरु मानकर पूछ रहे। बोले तो ठीक है फिर पूछो। बोले तुम्हारा भगवान कहां रहता है। बोले महाराज गुरु जी आपके दर पे हैं, आपने कुछ खाने पीने के लिए तो पूछा नहीं पर डायरेक्ट सवाल करने लगे गुरु जी से। बोले भाई गलती हो गई हमसे, बताओ क्या खाना पीना पसंद करेंगे। बोले बच्चा हूं मैं तो दूध पीऊंगा। बोले भाई दूध लाओ इसके लिए। अब बच्चे ने दूध लिया कटोरे में और उंगली घुमा रहा है। बच्चा जब उंगली घुमा रहा है तो 5 मिनट हो गए और 5 मिनट जब हो गए ना मेरी भैया, तो बादशाह को क्रोध आ गया। बादशाह बोला है मूर्ख क्या कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है दूध में। बोले हजूर दूध में खोआ ढूंढ रहा हूं। दूध में क्या ढूंढ रहा हूं, होता है या नहीं होता बताओ। होता है पर दिखता है, निकालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ना उसके लिए। तो बोले महाराज खोआ ढूंढ रहा। बोले खोआ ऐसे थोड़ा मिलेगा, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी तुझे, दूध को पकाना पड़ेगा ज्यादा तक। बोले हजूर मानते हो ना दूध में खोआ है पर नजर नहीं आता। बोले हाँ, और उसे पाने के लिए देखने के लिए मेहनत करनी पड़ती। बोले हाँ ऐसे मेरे भगवान होता है पर दिखता नहीं, देखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आप मेहनत करो तो मेरा भगवान तुम्हें नजर आएगा। बोले बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा जवाब दिया। अब ये बता तेरा भगवान क्या करता है, तेरा भगवान क्या करता है। बोले हजूर ये गुरुजी मानकर पूछ रहे हो या बच्चा मानकर। बोले भाई ये भी गुरुजी मानकर ही पूछ रहा हूं। तो गुरुजी तो नीचे खड़े और चेला गद्दी पे बैठो। बादशाह उतर कर आया और सिपाहियों से कहा बच्चे को गोदी में उठाओ गद्दी पे बैठाओ। तो बच्चा गद्दी पे बैठ गया और ऐसे टांग पे हाथ रख लिया घुटने पे और बोला बोलो क्या पूछना चाहते हो। बोले तुम्हारा भगवान क्या करता है। बोला मेरा भगवान ये करता है कि ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर देता है। प्रेम से बोलो श्री राधे।